फिनोज पे। IDFC फर्स्ट बैंक के अगर देखेंगे तो अभी प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी बैंक्स हैं, देखिए बहुत सारे बैंक्स में तेज़ी बनता है। अभी IDFC फर्स्ट बैंक का प्राइस जो है छोटा अमाउंट का शेयर है, 56 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, और इसलिए जो है इस स्टॉक में आप देखेंगे कि ज़्यादातर खरीदारी वगैरह भी होता रहता है, और इसका जो शेयर है एक बहुत ही बढ़िया शेयर कहा जाता है। अभी इस वीडियो में दोस्तों इसका एक बहुत ही बोल सकते हैं कि अपडेट जो है देखने को मिला है बढ़िया, वो हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे, और इस स्टॉक का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक कितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिनोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 52 का जो लो प्राइस था उसमें से ये स्टॉक 94.82% रिटर्न दे दिया है। 52 के लो प्राइस से 94.82% रिटर्न दे दिया, तो स्टॉक के प्राइस में जो है बीच में बहुत ज़्यादा गिरावट बनता हुआ दिखा था। अगर आपने देखा ये स्टॉक IDFC का 36 रुपीज़ या फिर उसके भी नीचे चला गया था ये शेयर का प्राइस, उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी आए। मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है IDFC फर्स्ट बैंक का, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर स्टॉक में जो है 2.3% का रिटर्न देखने को मिला है, एंड वही बात करते हैं 1 वीक के अंदर 3.9% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, 1 मंथ के अंदर 4.1% का गिरावट बनता हुआ दिखा। तो क्या हम लोग अभी IDFC फर्स्ट बैंक को खरीद सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हमें लगता है कि ये शेयर जो है ऐसा एक रिटर्न दे सकता है, और यहाँ पे देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर जो है अभी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। अंडर रेडर पे है ये शेयर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अंडर रेडर पे है ये शेयर। ड्यूरेबिलिटी 65 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 58.8 है आउट ऑफ 100, एंड जो मोमेंटम है 54.9 है आउट ऑफ 100। 6 महीने के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर का जो एक ज़बरदस्त हम लोग बोल सकते कि तेज़ी बीच में देखने को मिला था, 62 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर पहुँच गया था। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, ताकि अगर आप शेयर खरीदते हैं तो इस स्टॉक के बारे में आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रहे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक हफ्ते के अंदर जो स्टॉक में एक लो प्राइस बनाया था वो था 53.85 पैसे का, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक हफ्ते के अंदर इसने हाई प्राइस बनाया है 56.75 पैसे का। वही बात करते हैं दोस्तों एक महीने के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक में जो एक लो प्राइस बनता हुआ दिखा था वो था 53 रुपीज़ का, एंड हाई प्राइस बनाया था 60.35 पैसे का। 3 महीने के अंदर जो यहाँ पे जो लो प्राइस बनता हुआ दिखा था 3 महीने के अंदर, तो वो देख सकते हैं 52.30 पैसे के एक लो प्राइस यहाँ पे दिया है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर ने 3 मंथ्स के अंदर, और 3 मंथ्स के अंदर जो इसने एक हाई प्राइस बनाया था 64.30 पैसे का। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। टेक्निकली IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर न्यूट्रल लेवल पर चल रहा है फिलहाल अभी, एंड RSI इंडिकेटर कह रहा है कि भाई ये जो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर है ना कि ओवरबॉट जोन में है ना कि ओवरसोल जोन में है, और MACD का जो इंडिकेटर है वो कह रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर जो ये बेयरिश पैटर्न बना रहा है। बेयरिश पैटर्न मतलब जो है यहाँ पे शेयर एक गिरावट दिखा सकता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम का देखते हैं हम लोग एक दिन के अंदर, तो BSE एंड NSE मिला के एक दिन का जो वॉल्यूम देखने को मिला है वो है 29.20 मिलियन का वॉल्यूम है। डिलीवरी परसेंटेज 35.3% का देखने को मिला है। एक वीक का वॉल्यूम है 24.9 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 33.88% का देखने को मिला है, एंड 1 मंथ का जो वॉल्यूम है 27.5 मिलियन का वॉल्यूम है, डिलीवरी परसेंटेज 35.1% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा शेयर होल्डिंग को समझ लेते हैं शेयर होल्डिंग कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास देखते हैं 36.47% का, तो प्रोमोटर जो है IDFC फर्स्ट बैंक का 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में स्टेक थोड़ा कम किया है, 36.38% का किया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो प्रोमोटर्स है, मैनेजमेंट है IDFC फर्स्ट बैंक के, ये आपको ध्यान देना है बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। एंड पब्लिक के पास 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में स्टेक था 30.17% का, पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ पे कम किया है 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में और 30.01% का कर दिया है। FIS के पास स्टेक था 19.28% का, FIS ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है 19.76% का कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास स्टेक था 9.98% का, अदर इंस्टीट्यूशन स्टेक यहाँ पे कम किया है 9.83% का कर दिया है। और दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड के पास 4.09% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड स्टेक यहाँ पे कम किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
जो प्रोमोटर से थोड़ा स्टेक कम किया है, पब्लिक ने स्टेक कम किया है, एफआईएस ने यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है, 19.76% कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी इसका टारगेट प्राइस क्या है। तो एक बहुत ही बढ़िया टारगेट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लेके, और ये टारगेट प्राइस जो है दिया गया है मोतीलाल ओसवाल से। टारगेट प्राइस दिया गया है 70 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल जो है यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट प्राइस ऑफ ₹70 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट। तो ये जो है अभी का अपडेट है, और यहाँ पे 70 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के और से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके। तो बहुत ही जो है यहाँ पे बोल सकते कि अपडेट जो दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की ओर से, आप देख सकते कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है फोकसिंग ऑन ग्रोइंग इट्स लोन बुक थ्रू रिटेल एंड कमर्शियल लोन स्विच फ्रॉम 77% ऑफ फंडेड एसेट एंड सो 31% CAGR ओवर डिसंबर 20 से लेकर डिसंबर 2022। सिंस द ड्रैग फ्रॉम द होलसेल बुक इज मॉडरेटिंग, वी एक्सपेक्ट द बैंक टू एम्बर्क ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो अभी मोतीलाल ओसवाल को लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ये इसका जैसे बोल सकते कि बिजनेस चल रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे चल के देगा, एंड एस्टिमेटेड देखेंगे तो 25% CAGR लोन्स में देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 25 के अंदर। तो CAGR जो है 25% के आसपास देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 23 से लेके 25 के और 23 फाइनेंशियल ईयर से लेके 25 फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये मोतीलाल ओसवाल कह रहा है द बैंक हैज़ रिपोर्टेड 5x ग्रोथ इन रिटेल डिपॉजिट्स ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, एंड यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो इम्प्रूव्ड है सी ए ऐसे जो होता है मिक्स, उसमें 50% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक, और यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो, और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ऐसा एक स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया हम लोग को रिटर्न दे। तो दोस्तों आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हर क्वार्टर में जो एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पोस्ट करता है, और बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और ज़्यादातर लोग अगर देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर खरीदने के लिए सोच रहे हैं। अभी जो यहाँ पे और एक अपडेट देखने को मिला था जहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी जो है वो स्टेक भरा रहे हैं। तो अगर आप शेयर देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में, बैंकिंग में आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएगा बैंकिंग सेक्टर्स में, तो अगर आप देख रहे हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत ही बढ़िया शेयर लगता है। यहाँ पे एक बार ज़रूर आप रिसर्च कर सकते हैं, और स्टॉक अगर आप खरीदते हैं अभी 55-56 रुपीज़ के आसपास तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 70 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया गया है, हमें लगता है कि 70 रुपीज़ के टारगेट प्राइस के लिए थोड़ा समय आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो आप एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं अगर आप यहाँ पे मतलब होल्ड ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में, और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया आपको आगे रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आपको क्या लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए, और जब भी कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। दोस्तों उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।